हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज का लेसन में आप अपनी डेली लाइफ की स्किल्स को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी चीज़ सीखेंगे जिसको आप बार बार यूज़ करेंगे। जी हाँ, आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि जब आप किसी होटल में जाते हैं स्टे करने के लिए, तो आप वहाँ पर कैसे बात करेंगे, जब आप फ़ोन मिलाएंगे रूम बुक करने के लिए, और जब आप चेकआउट करेंगे वहाँ से घर जाने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस लेसन में समझाऊंगी होटल में रहने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस लेसन को हम शुरू करेंगे सबसे पहले बुक अ रूम से, क्योंकि ये पहली चीज़ होगी जब आप किसी होटल में जाने का सोचेंगे। सबसे पहले आप रूम बुक करेंगे, या तो आप वो ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर कॉल करके कर सकते हैं। बुक अ रूम का मतलब होता है अपने लिए एक कमरा वहाँ पर रखना, ताकि आप उन्हें कॉल करके कह पाएं कि मेरे लिए एक कमरा रखिए इस डेट के लिए। ओके, बुक अ रूम का मतलब होता है रूम रिजर्व करना। ग्रेट। तो जब आप कॉल करके कहेंगे हेलो आई नीड टू बुक अ रूम, ओके, वो आपसे पूछेंगे आपको किस डेट के लिए रूम चाहिए, फॉर विच डेट डू यू नीड अ रूम। आप कहेंगे मुझे रूम जुलाई 8 और 9 के लिए चाहिए। डू यू हैव अ वेकेंसी। जी, इसका मतलब होता है क्या आपके पास कोई खाली रूम है उस डेट के लिए। वेकेंसी का मतलब होता है खाली कमरे। तो आप कॉल करके पूछेंगे डू यू हैव अ वेकेंसी, क्या आपके पास जुलाई 8 और 9 के लिए कोई खाली कमरे हैं। ग्रेट। अगर आप लकी हैं तो वो कहेंगे जी हाँ वी हैव स्पेस और वी हैव अ वेकेंसी, पर अगर आप लकी नहीं हैं वो आपको कहेंगे नो वी आर फुली बुक्ड, मतलब हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। ओके, फुली बुक्ड मतलब कोई स्पेस ना होना। चलिए मान लेते हैं कि आप काफ़ी लकी हैं और आपको रूम मिल जाता है जुलाई 8 और 9 के लिए, और आप अपना इतना सारा लगेज लेके फाइनली होटल पहुंच जाते हैं। चलिए, कहाँ जाना चाहते हैं आप, शिमला जाना चाहते हैं, तो हम शिमला के एक होटल में पहुंच गए हैं। वहाँ पहुंच के आप सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर करेंगे। होटल में एंटर करने के बाद आप चेक इन करेंगे। जी, चेक इन का मतलब होता है कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड देंगे, वो कहेंगे वेयर इज़ योर आईडी कार्ड, आप अपना आईडी दिखाएंगे कि मतलब आप इस देश के नागरिक हैं, आप यहाँ पर रहते हैं और आपको आइडेंटिफाइड सिटीज़न हैं आप। तो जब आप अपना आईडी कार्ड देंगे वो आपसे कहेंगे कि ठीक है हम आपका नेम चेक करते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही रूम बुक किया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी बुकड अ रूम, इसलिए वो आपको चेक इन करने देंगे, एज इन वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे अपने होटल में एक गेस्ट की तरह। तो चेक इन का मतलब होता है होटल में गेस्ट की तरह एंटर करना। ओके, चेक इन का मतलब होता है होटल में एंटर करना एक गेस्ट की तरह। ग्रेट। तो अब आपने होटल में चेक इन भी कर लिया, अब अगली चीज़ क्या है, क्योंकि आपने चेक इन किया है तो अब आप अपने रूम में जाएंगे, पर रूम तो लॉक है, तो क्या वो आपको चाबी देंगे, नहीं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, अब आपको रूम खोलने के लिए चाबी नहीं पर की कार्ड मिलता है। जी हाँ, अगर आप होटल्स में रहे हैं रिसेंटली तो आपको पता होगा कि आजकल होटल्स में की कार्ड देते हैं, वो की कार्ड ही आपकी चाबी है। वो एक कार्ड होता है जिसको आप दरवाजे पर एक डिवाइस होता है उसके सामने टच करते हैं तो एक टू टू की आवाज़ आती है और एक ग्रीन लाइट आती है और आपका दरवाज़ा खुल जाता है। वाओ, तो ये होता है की कार्ड, यानी आपकी चाबी कमरे में एंटर करने के लिए, की टू एंटर द रूम। तो जैसे ही आप होटल पहुंचेंगे वो आपको बोलेंगे ये लीजिए आपका की कार्ड, आपका चेक इन करने के बाद, हियर इज योर की कार्ड। ग्रेट। क्योंकि अब आपको आपका की कार्ड मिल गया है तो आप तैयार हैं अपने फ्लोर पर जाने के लिए और अपने रूम में पहुंचने के लिए, पर जैसे कि मैंने कहा आपके पास बहुत सारा सामान है, यानी बहुत सारा लगेज है, तो आप क्या कहेंगे, प्लीज़ मुझे लगेज उठाने में मदद चाहिए, आई नीड हेल्प विद द लगेज।
तो रिसेप्शन पे आपको बोलेंगे, हाँ श्योर, बेल बॉय आपकी हेल्प करेगा. कौन? बेल बॉय. जी, ये वो व्यक्ति होता है होटल में जो आपका सामान उठाने में आपकी मदद करते हैं और आपके लिए दरवाजे भी खोलते हैं. उनको हम इंग्लिश में कहते हैं बेल बॉय या बेल हॉप. यहाँ लिखते हैं बेल बॉय या बेल हॉप. तो अब आपको वो कहेंगे, श्योर द बेल हॉप या फिर द बेल बॉय विल हेल्प यू. फिर बेल बॉय या बेल हॉप के साथ आप अपना सामान लेके ऊपर जाएंगे. ओके, वेरी नाइस. नाउ जब आप अपने होटल में एंटर करने से पहले इंक्वायरी कर रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली उनसे सुविधाओं के बारे में भी पूछते हैं, राइट? आप एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या आपका होटल पेट फ्रेंडली है. इसका मतलब अगर आपके पास कोई बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पेट है, जैसे कोई कैट, कोई रैबिट, कोई डॉग, और उसको भी आप अपने साथ होटल लेके जाना चाहते हैं, तो आप पूछेंगे क्या आपका होटल पेट फ्रेंडली है, क्या वो पेट्स को अलाउ करता है या नहीं. ओके, पेट्स को अलाउ करता है कि नहीं. ग्रेट. अब आप अपने रूम की तरफ जा रहे हैं और रूम में पहुंचते ही जो आपके साथ बेलहॉप है वो आपको बताएगा कि आपके रूम में आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी. इसको वो कहेगा, यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अमीनिटीज़ विद योर रूम. अमीनिटीज़ होता है सुविधाएं. मेरे बात बोलिए, अमीनिटीज़. अमीनिटीज़ यानी सुविधाएं. ओके, तो आपको अपने रूम के साथ बहुत सी सुविधा मिल रही है, तो आप कहेंगे, अच्छा कैसी अमीनिटीज़ मिल रही हैं मुझे, व्हाट काइंड ऑफ अमीनिटीज़ एम आई गेटिंग. तो वो आपको कहेगा, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलेगा. कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का मतलब होता है फ्री ब्रेकफास्ट. तो जब आपने रूम बुक किया है, आपने वहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे ऐसा रूम चाहिए जिसमें मुझे फ्री ब्रेकफास्ट मिले, उसको आप कहेंगे आई वॉन्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट. या फिर आपको कोई बोलेगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है, यू ऑल्सो हैव कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट यानी फ्री ब्रेकफास्ट. तो आप कहेंगे, अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये ब्रेकफास्ट होगा कहाँ? तो आपको जवाब में वो बताएंगे, ये ब्रेकफास्ट है लॉबी में एक बूफे पर. अरे ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? क्या आपको पता है लॉबी क्या होता है? लॉबी होता है एक कॉमन एरिया, यूजुअली एक होटल की शुरुआत में, जहाँ पर सब गेस्ट साथ में आ सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर या जब उनका मन करे. वहाँ पे आपको काउच मिलते हैं, चेयर मिलती है, बाथरूम होता है, और वहाँ पे आप कॉमन टाइम स्पेंड कर सकते हैं. लॉबी इज़ अ कॉमन एरिया. अब बेल बॉय ने आपको बताया कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट लॉबी में है और वो एक बूफे है. बूफे का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर खाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें रखी होती हैं और आप जाकर खुद को ही सर्व करते हैं. एज इन आप प्लेट उठाएंगे, अपने लिए खाना डालेंगे जो आपको अच्छा लगता है, आके चेयर टेबल पे बैठ के आप अपना खाना खा सकते हैं. उसे हम कहते हैं बूफे. यहाँ पर आपको कोई वेटर आकर खाना नहीं देता, आप ऑर्डर भी नहीं देते, बस जो आपके पास ऑप्शंस रखे होते हैं, दिए गए होते हैं, उन्हीं में से आप चूज़ करके अपना खाना खाते हैं. ये होता है बूफे. यहाँ पर आप खुद को सर्व करते हैं, सर्व योरसेल्फ. खुद को सर्व करने को हम इंग्लिश में सेल्फ सर्विस भी कहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं. तो अभी हमें बेल हॉप ने बताया कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है लॉबी में और वह बूफे ब्रेकफास्ट है. अब वो आपको ये भी बताएगा कि आपको आपके रूम में फ्री टॉयलेटरीज मिलेंगी या कॉम्प्लीमेंट्री टॉयलेटरीज. इसका मतलब होता है बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे कि शैम्पू, नैपकिन्स और अलग अलग प्रकार की चीज़ें जिनको आप बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं. शावर जेल, डेंटल किट. डेंटल किट का मतलब होता है ब्रश,
टूथपेस्ट, आपको हेयर किट भी मिलती है जिसको हम जिसमें आपको कॉम मिलेगा और आपको शावर कैप मिलेगी ताकि जब आप नहाएं आपके बाल ना गीले हों. तो टॉयलेटरीज का मतलब होता है टॉयलेट में यूज होने वाले सामान. ग्रेट. जब आप अपना रूम बुक कर रहे होते हैं, ख्याल रखिएगा कि आपको कैसा रूम चाहिए. कुछ रूम्स आजकल होटल्स में स्मोकिंग रूम्स होते हैं, यानी उनमें स्मोकिंग अलाउड होती है, और कुछ रूम्स नॉन स्मोकिंग होते हैं या स्मोक फ्री होते हैं. मतलब वहाँ पे आपको स्मोक की ना तो स्मेल आएगी, ना ही आप वहाँ खुद स्मोक कर पाएंगे. तो जब भी आप बुक अ रूम करेंगे, आप मेंशन कीजिएगा कि आपको स्मोकिंग चाहिए है कि नॉन स्मोकिंग चाहिए. नॉन स्मोकिंग चाहिए तो आप स्मोक फ्री भी कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे पास और क्या क्या अमीनिटीज़ यानी सुविधाएं हैं. हमारे पास एक और अमीनिटी होती है, वो होता है मिनी बार. एक अच्छे रूम में आपको मिनी बार भी मिलता है, यानी वो एक फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, जिसके अंदर आपको स्नैक्स मिलते हैं, जैसे कि पीनट्स हो गए या कोई चिप्स हो गए, और साथ में कुछ पीने के लिए ड्रिंक्स, जैसे कोई जूस हो गई, कोई बियर हो गई. डिपेंडिंग कि आपको क्या पसंद है, आप उसमें से लेकर खा सकते हैं या पी सकते हैं. पर याद रखिए, मिनी बार में जो भी सामान रखा होता है वो कभी फ्री नहीं होता है, वो हमेशा चार्जेबल होता है. मतलब आप जो भी खाएंगे या जो भी पियेंगे उसको आपको एंड में उसके लिए पे करना पड़ेगा. मिनी बार होता है एक फ्रिज जिसमें होते हैं स्नैक्स. ओके. अगर आप किसी होटल में अकेले रह रहे हैं और आपको सुबह सुबह काम पर जाना है क्योंकि आप अपने काम के लिए आके होटल में रह रहे हैं, तो आप होटल में वेकअप कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको सुबह 7 बजे, 6 बजे, जिस भी टाइम आपको उठना है उस टाइम आपको वह कॉल करके जगा दे. ये एक बहुत अच्छी और हेल्पफुल सर्विस है अगर आप अकेले रहते हैं. तो ये होता है वेकअप कॉल. वेरी नाइस. अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे नेक्स्ट मीनिंग का वर्ड, और वो है रूम सर्विस. जी, रूम सर्विस का मतलब होता है जब आप अपने रूम में अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं. जैसे कि आप कॉल करेंगे रूम सर्विस पर, आप कहेंगे हेलो, क्या ये रूम सर्विस है? हेलो, इज़ दिस रूम सर्विस? आई वॉन्ट टू ऑर्डर 2 रोटीज़, 1 दाल एंड 1 पनीर. तो इस तरीके से आप ऑर्डर करेंगे रूम सर्विस पर अपने लिए खाना जो आपके रूम में डिलीवर होगा. तो रूम सर्विस होता है डिलीवर फूड टू द रूम. तो आपका जो खाना है वो आपके कमरे में आपके लिए डिलीवर होगा. हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउसकीपिंग. ये भी इससे कुछ मिलता जुलता है. हाउसकीपिंग होता है वह लोग जो आपके आपके रूम को साफ करते हैं, सेट करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, और जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं रूम में उन्हें आपके लिए रखते हैं. वो होती है हाउसकीपिंग, यानी आपके कमरे को साफ रखने वाले, क्लीनर्स या हाउसकीपर्स. चलिए अब सोचते हैं कि आप अपने होटल में अकेले रहने नहीं गए पर अपनी फैमिली के साथ गए. आपके साथ बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं, और आपके लिए जगह कम पड़ रही है उस रूम में. एज इन आपके पास एक बेड है, उस पर सिर्फ आप, आपकी वाइफ और आपका एक बच्चा सो सकता है, दूसरे बच्चे के लिए जगह नहीं है. तो आपको एक एक्स्ट्रा बेड मंगवाना पड़ेगा. जी, एक्स्ट्रा बेड मंगवाने के लिए आप कॉट भी बोल सकते हैं. आपको एक्स्ट्रा बेड बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कह सकते हैं कैन आई हैव अ कॉट, यानी क्या मुझे एक एक्स्ट्रा बेड मिल सकता है. वह एक छोटा सा बेड होता है जो कि आप फोल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं. उसमें व्हील्स लगे होते हैं नीचे, तो इसलिए उसको इधर से उधर लेके जाना आसान होता है. कॉट होता है एक्स्ट्रा बेड. ग्रेट. हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिनन्स. जी, लिनन हमें पता है एक तरीके का कपड़ा होता है, और वहीं से आया है ये वर्ड जो होटल्स में यूज़ होता है. लिनन्स हम बोलते हैं हमारी बेडशीट को. ओके, जो बेडशीट आप ले रहे हैं अपने ऊपर या जो बेडशीट नीचे बिछी है उसके लिए. ओके, तो हम इमेजिन कर रहे थे कि आप अपनी फैमिली के साथ होटल गए हैं. जस्ट इमेजिन कि आपके बच्चे ने बेड पर जूस गिरा दिया,
तो अब क्या, अब तो आपको चादर चेंज करानी पड़ेगी. तो आप कहाँ कॉल करेंगे? आप हाउसकीपिंग पे कॉल करेंगे और आप कहेंगे आई नीड द लिनन्स टू बी चेंज्ड, मतलब मुझे चादर चेंज कराने की ज़रूरत है. तो लिनन्स होता है बेड कवर्स. ग्रेट, मुझे उम्मीद है कि आपका स्टे होटल में बहुत अच्छा रहा होगा और इसलिए जब आप जा रहे हैं तो आप चेकआउट करेंगे. चेकआउट का मतलब होता है होटल से जाना. ओके, होटल से जाना. चेकआउट होता है चेक इन का उल्टा, वो होता है होटल में आना और चेकआउट होता है होटल से बाहर जाना. ओके, नाउ विद दिस हम अपने लास्ट वर्ड पर आ गए हैं. जब आप चेकआउट करते हैं आप अपना फाइनल बिल पे करते हैं जी, और वो बिल को हम बोलते हैं इनवॉइस. इनवॉइस को बोलते हैं फाइनल बिल. तो आप रिसेप्शन पर जाकर कह सकते हैं कि मैं चेकआउट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चेक आउट. तो वह आपको कहेंगे श्योर, ये रहा आपका फाइनल बिल, हियर इज योर इनवॉइस. तो आप कहेंगे थैंक यू सो मच. ओके गाइज, थैंक यू सो मच मेरे साथ इस लेसन के एंड तक जुड़े रहने के लिए. आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप किसी होटल में स्टे करने जाएंगे आप इन सब वर्ड्स को यूज़ करेंगे और इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. वापस आइएगा कुछ और इंटरेस्टिंग लेसन देखने के लिए. टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड हैव फन. बाय बाय.